आखिर जो ये एमपी एमएलएस होते हैं ये इतने ज्यादा अमीर कैसे होते हैं, कहाँ से आता है आखिर इनके पास इतना पैसा और इनकी बेसिक सैलरी कितनी होती है, आइए आज मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जो नेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है, आखिर इनके पास पैसा कहाँ से आता है, इनका बेसिक अलाउंस कितना होता है, क्या इनकी बेसिक सैलरी एक टीचर के बराबर ही होती है, एक जो गवर्नमेंट टीचर होता है, या इनकी सैलरी ज्यादा होती है, एक नेता होने का क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इसी के साथ इसके क्या पर्क्स है, क्या इसका ड्रॉबैक है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले बताती हूँ मैं आपको कि आखिर इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत होती है। दरअसल एक नेता बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे ग्रेजुएट हो चाहे ना हो, आप 12th पास हो या फेल हो, आप 10th पास हो या फेल हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये वक्त उस वक्त ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण थी जब हमारा देश आजाद हुआ था। कहा जाता है कि उस वक्त हमारा लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 12% था, लेकिन अब बताया जाता है कि हमारा लिटरेसी रेट पहुंच गया है 74%। तो इसलिए अब कोई कितना पढ़ा लिखा है नेता या फिर नहीं है तो इसको इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। वो कितना अच्छा बोल लेता है, कितना अच्छा जनसंपर्क कर लेता है, कितने ज्यादा वोट अपनी तरफ कर लेता है, शायद ये चीजें इस वक्त सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेकिन एक और चीज जो सबसे ज्यादा रखते हैं लोग जाना चाहते हैं वो है एमएलएस की सैलरी। जो लोग जो नेता हमारे रिप्रेजेंटेटिव है आखिर उनकी कितनी सैलरी होती है, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेट वाइज सैलरी की। हाँ, ऐसा भी होता है, आपको शायद ये बात नहीं पता होगी, लेकिन जो एमएलएस होते हैं उनकी स्टेट वाइज सैलरी भी डिफर होती है। ऐसे ही हमने एक शॉर्ट बना रखा है जिसमें हमने बताया है कि मुख्यमंत्री की सैलरी अलग अलग होती है और कौन ऐसे टॉप 3 मुख्यमंत्री हैं जिनकी सैलरी अलग है। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर वो शॉर्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन से एमएलए की परमंत कितनी ज्यादा सैलरी है, और ये डेटा एज पर 2023 के मुताबिक है। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश के एमएलए की। आंध्र प्रदेश के एमएलए की परमंत सैलरी है 1,25,000। जी हाँ, इनको मिलते हैं 1,25,000, और इसमें इनका बेसिक अलाउंस और इसके साथ सारे अलाउंस जो है वो इसमें ऐड होते हैं, और बाकी इनकी जो कमाई होती है वो तो आप जानते ही है। नंबर 2 पर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो एमएलए है उनको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए। अब आप सोचते होंगे कि आखिर इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है, और इसी के साथ जहां एक को मिलते हैं 1,25,000 वही दूसरे को मिलते हैं सिर्फ 25,000, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है कि आखिर किस जो माफ कीजिएगा जो स्टेट है उसकी कितनी ज्यादा इकोनॉमी है, और इसी के साथ वहां पर जो एमएलए होते हैं वो जो ट्रैवल करते हैं, जो उनका एरिया है वो कितना बड़ा है, ये सारी चीज इसमें डिपेंड करती है। नंबर 3 पर आता है असम। असम के जो एमएलए उनको मिलती है 60,000 रुपए। बिहार 1,65,000। छत्तीसगढ़ 1,35,000। दिल्ली 2,10,000। गोवा 1,00,000 रुपए। एमएलए इन गुजरात इनको मिलती है 1,27,000। हरियाणा में मिलती है 1,15,000। हिमाचल प्रदेश 1,25,000। जम्मू कश्मीर 1,60,000। झारखंड 1,51,000। कर्नाटक 63,500 रुपए। केरल 43,750। मध्य प्रदेश 2,10,000। महाराष्ट्र 1,60,000। मणिपुर 1,12,500। मेघालय 27,750। मिजोरम 65,000। नागालैंड 35,000। उड़ीसा 35,000। पंजाब 1,10,000। राजस्थान 55,000। सिक्किम 52,000। तमिलनाडु 1,13,000। सैलरी इन तेलंगाना 2,50,000। त्रिपुरा 25,890। उत्तर प्रदेश 1,87,000। इसके अलावा उत्तराखंड 35,000। वेस्ट बंगाल 52,000। पुडुचेरी 1,05,000। तो आप कौन से स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं बैठकर हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।